अब अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात विपक्ष की करते हैं और कांग्रेस पार्टी की करते हैं, जहां सूत्रों से यह खबर आ रही है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के कलबुर्गी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट मानी जाती है, जहाँ से उनकी उम्मीदवारी लगभग हमेशा तय होती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से हार गए थे। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में मेंबर हैं, वो नेता विपक्ष और पार्टी अध्यक्ष भी हैं, साथ ही विपक्ष के दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन में भी बड़ी भूमिका में वो हैं, लिहाजा उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। ।2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार उनको मात खानी पड़ी थी उनके परंपरागत सीट कलबुर्गी से, और इस बार क्योंकि उनका दायित्व इतना सारा है इसीलिए उन्होंने खुद निर्णय लिया है कि वो कलबुर्गी से नहीं लड़ेंगे। अरुण सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, एक बात बताइए, दायित्व बहुत ज़्यादा है इसीलिए नहीं लड़ेंगे, या जीतने के चांसेस कम हैं इसीलिए नहीं लड़ेंगे, या किसी ने कह दिया खड़गे जी अब आप रिटायर हो जाइए इसीलिए आप नहीं लड़ेंगे? देखिए आनंद, खड़गे जी के रिटायर होने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि उनको 5 सालों के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, तो अभी उनका टेन्योर बाकी है, 3 साल से ज़्यादा उनका राज्यसभा में टेन्योर बाकी है, इसलिए उनको मना करने का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना था कि उनके ऊपर ये छोड़ दिया था पार्टी ने, अगर आप चाहें लोकसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, चूंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तमाम बैठकें करनी पड़ती हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से वो बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने ये जवाब दिया है पार्टी को कि हम चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप कहेंगे तो, वरना जिम्मेदारियां बहुत हैं और टेन्योर भी राज्यसभा का बचा हुआ, तो ऐसा है कि उन्होंने ये अपनी बात अपनी मंशा पार्टी को बता दी है। फिर भी उन्होंने ये बात कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो कलबुर्गी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए वो उनकी परंपरागत सीट है, आधा दर्जन से ज्यादा बार वो उस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तमाम पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, तो उनको पार्टी के आदेश का इंतजार है। फिलहाल उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी को बता दी है। मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूँ, आप लड़वाएंगे तो मैं लड़ लूंगा कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। 3 साल राज्यसभा के बचे, 5 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, तो वैसे ही दायित्व बहुत है, तो क्या चुनावी रण में उनका उतरना आवश्यक है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल गांधी को लेकर करीब करीब ये अब साफ हो चुका है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो अब ये प्रश्न उठता है कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो प्रियंका वाड्रा का नाम के नाम को लेकर अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं, पर कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट से शायद लगभग वही लड़ेंगी। अब ऐसे में सब प्रश्न ये उठता है तो फिर अमेठी में से कौन और रायबरेली में से कौन, और अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस किसे उतारेगी, इसे लेकर जयराम रमेश जी ने कहा है, क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। जनता की तो मांग है, लोगों की भावना है, मैं भी खुद अमेठी में था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, मैं रायबरेली में भी था, जनता चाहती है, पर अंतिम में सीईसी को निर्णय लेना होगा। प्रियंका जी राहुल जी कहां से लड़ेंगे वो तय करेंगे, सीईसी में उस पर चर्चा होगी, सीईसी निर्णय लिया जाएगा, संगठन सर्वोपरि है। जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बेस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। जब उनको पता है कि होनी जमानत ही जब्त है तो अमेठी में क्यों करवानी है, जहां पीछे मुड़कर नहीं देखे 5 साल क्या चेहरा लेकर आएंगे? जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, जिस पार्टी को 4-4 पीढ़ियों तक वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश को इतनी हल्की बातें करके नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने दक्षिण भारत से किया, क्या यही मिला उत्तर प्रदेश को बदले में? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश आए थे, सुनसान गलियाँ थी जहाँ राहुल गांधी जी गए, कोई नारे लगाने वाले भी नहीं मिले, जीप पर भी अकेले ही पाए गए,
हताश निराश होकर आजकल ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, न जाने आगे क्या लिखा है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस की विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए थे, आगे भी नहीं बना पाएंगे। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है, 10 से लेकर 15 तारीख के बीच कभी भी ये हो सकता है, बहुत सारी अटकलें हैं। ऐसे में हर दल में उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी समेत कई दल तो अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुके हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरफ से अब तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पाया है, हालांकि मंथन जरूर जारी। राहुल गांधी की सीट का फैसला हो गया, कांग्रेस ने राहुल का टिकट पक्का कर दिया। आने वाली है राहुल के नाम वाली पहली लिस्ट। जी हाँ, जो पहले से तय था और जो तय ही होना था, आखिरकार वो तय हो ही गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से उम्मीदवार तय कर लिया है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन ये तय नहीं हो सका कि अमेठी का आखिर क्या होगा। 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सभी नेता शामिल हुए। न्याय यात्रा से राहुल गांधी ने भी कुछ वक्त के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत की। घंटों बैठक चली, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, सीटों पर मंथन हुआ और बैठक खत्म भी हो गई। लेकिन ऐलान अब तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबरें बहुत सी आई। मसलन बैठक में कुल 60 सीटों पर चर्चा हुई, 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए। लगभग सभी मौजूदा सांसदों का टिकट तय है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक से एक मंत्री को टिकट मिल सकता है। बैठक में ऐसी बहुत सी बातें हुई और आगे की चर्चा की तारीख तय कर दी गई। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर, कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, प्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में, फॉर दिल्ली इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बहुत कुछ तय किया गया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी तय नहीं हो सकी। मसलन अमेठी का क्या होगा, वहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, क्या राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली का क्या होगा, वहाँ से कौन होगा उम्मीदवार, क्या प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। ऐसे बहुत से सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। यही हाल दिल्ली की सीटों का भी रहा, जहाँ से एक भी उम्मीदवार तय नहीं हो सका, हालांकि कई नामों पर चर्चा जरूर हुई है। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा, अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। आप लोग चुनाव लड़ेंगे? पूरे जिन जिन स्टेट्स का आज डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमोसफेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। बैठक में क्या हुआ, क्या निकला, कितनी सहमति बनी, क्या तय हुआ, ये सब सूत्रों के हवाले से ही है और कुछ तय हो गया ऐसा दिखता तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बहुत कुछ तय है। We had the first central election committee regarding the parliament candidates. We finalized seat from Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Delhi and Lakshadweep. Formal announcement will be, the procedure is going on. दावे कुछ भी हो, लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी अभी तक नहीं ला सकी है, जबकि उसके सहयोगी हो या विरोधी, ज्यादातर दलों ने उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस से बड़ी बढ़त बना ली है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को अब भी लिस्ट आने का इंतजार है।